हाय गाइस, माय नेम इज सारा काजला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो, डब्ल्यूटीओ और नाम के बारे में। ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में समझना करंट इश्यू से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट अभी वॉर में तब्दील हो गया है उसमें ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज हो रही है। चलो, डब्ल्यूटीओ तो 1991 में डिजोल्व हो गया था, लेकिन नाटो और नाम इनका अभी भी हमें नाम सुनने को मिलता जा रहा है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। तो उनको जानने के लिए हमें वो हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 45 के बीच में, उसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, इसी का परिणाम था नाटो, डब्ल्यूटीओ और नाम। तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है वो हिटलर ने की थी पोलैंड, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन का पार्ट था, वहां पे इन्वेड करके, और ख़त्म यूएसए ने जापान पे, जो हिरोशिमा नागासाकी सिटीज है जापानी सिटी, उन पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग करके उसने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म किया था। ओके, तो इसके अंदर जो दो पक्ष आते हैं, एक है एलाइड फोर्सेस और सेकेंड इज एक्सिस पावर। तो एलाइड फोर्सेस के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो, और फ्रांस। ओके, ये चारों और भी थोड़े छोटे मोटे, लेकिन एक्सिस पावर जो है उसके अंदर थे ये जर्मनी, जापान, इटली और भी जो है अदर कंट्रीज बाद में थोड़े शामिल हो गए थे। तो एलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर, इन दोनों में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। ओके, तो 1939 से 1945 ये 6 साल और 1 दिन तक ये विश्व युद्ध चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था। अब जानते हैं कि कोल्ड वॉर का रीजन क्या था। ठीक है, ये तो ये देखिए, यहाँ पे एलाइड फोर्सेस में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, ये तो एक तरफ से संयुक्त रूप से एक्सिस पावर के ओपोजिशन में थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो गाइस, क्रिटिक्स का ये कहना है कि जापान सरेंडर करने को ही था 1945 में, फिर भी यूएस ने उस पे, जो जापानीज दो सिटी है हिरोशिमा और नागासाकी, उन पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप करे, जो कि अननेसेसरी था। अगर वो नहीं करते फिर भी वो करने वाले थे सरेंडर। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये सब यूएस ने जो किया ये वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए किया कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो ये चीज यूएसएसआर को लग गई, बिकॉज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो है, ये तो इन्हीं के साथ एलाइड फोर्सेस में था, संयुक्त रूप से ये काम कर रहे थे। तो सोवियत यूनियन को ये लगा कि हम साथ में काम कर रहे थे, फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें ये नहीं बताया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। ओके, इसके बारे में कोई भी जानकारी सोवियत यूनियन को नहीं दी गई। इस बात से ये बात सोवियत यूनियन को लग गई, और तब से 1945 जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और तब से लेकर 1991 तक इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। तो गाइज, इसी दौर में नाटो, डब्ल्यूटीओ और नाम ये ऑर्गेनाइजेशन बन गए। नाटो क्या था? नाटो 1949 में, इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे लेकिन इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका इनके बीच में एक संधि हुई थी कि हम स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज थे। उन्होंने ये कहा कि हम में से किसी भी एक कंट्री पे अगर बाहर का कोई विदेश आक्रमण करता है तो वो हम सभी पर हमला, एकत्र रूप से हम सभी पे हमला माना जाएगा और हम सभी एक साथ उस पे रेसिप्रोकेट करेंगे। डब्ल्यूटीओ, ठीक है, अब जब अमेरिका ने ऐसे किया तो सोवियत यूनियन ने भी 1955 में अलाइंसेस बनाने शुरू कर दिए। तो वॉर्सो पैक्ट हुआ था 1955 में, जिसका रिजल्ट था डब्ल्यूटीओ। ओके, दैट इज वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आता है नाम, दैट इज नॉन एलाइड मूवमेंट। ये जो नाम है ये नाटो और डब्ल्यूटीओ, ये जो दो सुपर पावर्स हैं अमेरिका और
सोवियत यूनियन, इन दोनों दोनों के ही पक्ष में नहीं थे, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट खेल रहे थे। अभी हम नाटो और डब्ल्यूटीओ की बात करें तो नाटो अप्रैल 1949 में पूंजीवादी विचारधारा वाले देश जो हैं उन्होंने ए अलायंस बनाया था कि हम लोग, इन्होंने एक तरह की संधि की थी या फिर कसमें खाई थी कि हम जो देश हैं, नाटो देश हैं, उन पे से किसी बाहर वाले कंट्री ने अगर आक्रमण किया तो वो हम सभी पर आक्रमण समझा जाएगा और हम सभी मिलकर उसका बदला लेंगे, डब्ल्यूटीओ जो है, या फिर आक्रमण करेंगे इस तरह से। तो डब्ल्यूटीओ जो है ये फिर बाद में सोवियत यूनियन ने भी मई 1955 में अपने साम्यवादी विचारधारा, मतलब कम्युनिस्ट, पूंजीवादी क्या होता है कैपिटलिस्ट और साम्यवादी होता है कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश, तो उन्होंने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अपने अपने विचारधारा वाले देशों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया 1955 में, जो कि 1 जुलाई 1991 को भंग हो गया था। तो गाइज नाटो का राइट नाउ जो करंट सिचुएशन क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो 12 कंट्रीज जो 1949 में जिन्होंने शपथ खाई थी वो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ये बीच में और कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो आप देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली 2020 उसमें नॉर्थ मेसिडोनिया एक कंट्री है जिसने मेंबरशिप लिया है इसका, और करंटली यूक्रेन का भी यही विवाद चल रहा है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में मिलाया जाए, और इसी पे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर नाम की बात की जाए नॉन एलाइड मूवमेंट की, तो जिसको नेहरू नासिर टीटो मूवमेंट के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, तो नेहरू स्टैंड्स फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, नासिर जो है वो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, और टीटो 1945 से 1980 के बीच में ये इजिप्शियन, सॉरी ये यूगोस्लावियन प्रेसिडेंट रहे हैं। ओके, तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि उस टाइम पे जो फ्री हुए थे, जिन्होंने उसी टाइम पे फ्रीडम गेन किया था, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज या फिर पुअर या स्मॉल कंट्रीज जो हैं उनका एक अलायंसेस बनाने का। वो क्यों? क्योंकि देखिए उसी टाइम पे जो फ्रीडम गेन किए हुए कंट्रीज थे इंडिपेंडेंट, उनको ये चिंता थी कि अगर हमने यूएस या फिर यूएसएसआर दोनों में से किसी का भी अगर साथ दिया तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने फिर से जो है ज्वाइन किया तो हमें अपनी फ्रीडम फिर से खोनी पड़ सकती है, तो उन्होंने इन दोनों सुपर पावर से दूर रहने का निश्चय किया। अभी अगर हम बात करें कि इंडिया का इसमें क्या स्टैंड था, तो देखिए जो कंट्रीज इन दोनों सुपर पावर्स में के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो नाटो और डब्ल्यूटीओ इनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़े हैं तो वो इनके अकॉर्डिंग इन सुपर पावर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ओके, बट इंडिया चोज कि वो अपने खुद के, मतलब इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो वो नाम का, मतलब इवन नाम का, नाम के जो लीडर्स में नाम आता है हमारे इंडिया का आता है, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने दोनों राइवलरीज के बीच में डिफरेंसेस कम करने की कोशिश की ताकि डिफरेंसेस और एस्केलेट ना हो, और कोल्ड वॉर को सॉफ्टन करने में पॉजिटिव रोल प्ले किया इंडिया ने। नॉन अलाइनमेंट से खुद का जो इंटरेस्ट है उस पे काम किया, और ये भी था कि दोनों सुपर पावर्स में से यूएस और सोवियत यूनियन कोई भी इंडिया को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था, ना ही बुली कर सकता था, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि इंडिया इंटरनेशनल इश्यूज में अपना खुद का कोई फर्म स्टैंड नहीं ले ले पाया, ये जो है इंडिया खुद का कोई फर्म स्टैंड नहीं ले पाया, और इंडिया ने कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजन भी लिए। तो उनमें से एक ये है कि अगस्त 1971 के अंदर इंडिया ने, जब बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया। किसके साथ साइन किया? सोवियत यूनियन के साथ। तो क्रिटिक्स का ये कहना था कि इंडिया ने वर्चुअली सोवियत अलायंस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि बांग्लादेश क्राइसिस में इंडिया का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने
जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया सोवियत यूनियन के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये उनकी नीड थी उस टाइम पे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन में कभी भी आड़े नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यूएस और सोवियत यूनियन इतने बड़े सुपर पावर्स हैं, तो इनको अलायंसेस की ज़रूरत क्या है? उनके पास इतने वेपन्स और मिलिट्री है, तो उनको अलायंसेस चाहिए क्यों? तो फर्स्ट थिंग इज़ वाइटल रिसोर्सेज के लिए, दैट इज़ ऑयल मिनरल्स वगैरह के लिए, फिर बाद में टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स के लिए, ठीक है, फिर बाद में लोकेशन, एक दूसरे पे स्पाई करने के लिए लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी अलायंसेस की ज़रूरत है ना? उसके बाद में इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। फाइनली 1991 के अंदर यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है उसको 15 कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट, उनका विघटन 15 कंट्रीज में हो गया, और उसके बाद में कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो सोवियत यूनियन ने ये कहा कि जब ऐसा होता है ना कि भाई दुश्मन तो टूट गया है, तो फिर आपको ये नेटो अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी जो डिसॉल्व कर देना चाहिए। 91 के अंदर WTO तो डिसॉल्व हो गया था, लेकिन यूएसए ने नाटो को अभी तक कंटिन्यू रखा है और आगे से आगे एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 कंट्रीज जो बने, देखिए, एक तो रशिया जो सबसे बड़ा पोर्शन है, दैट इज रशिया, और यूक्रेन जिनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अभी वॉर में तब्दील हो गया है, तो ये तो दो है ही। उसके अलावा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, खारजिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये 15 कंट्रीज में विघटन हो गया सोवियत यूनियन का। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी वॉर में तब्दील हो गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या रीजंस वगैरह थे, तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो उसमें हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।